इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं तरुण कुमार। आइए अब आपको रूबरू कराते हैं अभी तक की ताजा खबरों से। खबर एमपी के शहडोल से है, जहां जिले के नगर परिषद बैकोह में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की 3 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों का आज गुस्सा फूट पड़ा और सभी कर्मचारियों ने एक साथ काम बंद करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। हालांकि तहसीलदार के आश्वासन के बाद कर्मचारी फिर से काम पर लौट गए, लेकिन इस दौरान कर्मचारियों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। आप लोग क्या मांग रहे हैं? हम लोगों की मांग यही है कि हम लोग सफाई कर्मचारी नगर परिषद बकहो से आए हुए हैं तहसीली मैडम के पास। मैडम ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि आप लोगों को तत्काल पेमेंट करवाया जाए। हम लोगों ने आज 12 बजे काम रोक के मैडम के पास मिलने के लिए आए हुए हैं और हमारा मांग यही कि हमारी सब पेमेंट हो जाए। 3 महीने से हम लोगों की पेमेंट नहीं हो रही है, हम लोग बहुत परेशान हैं। अब हम लोग कहाँ जाएं? मैडम आज हम लोगों को आश्वासन दी है कि आज आप लोग का पेमेंट होगा, हम लोगों का पेमेंट हो जाए। हम लोगों को कोई मांग डिमांड नहीं, हम लोग यही चाहते हैं। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो? मांग क्यों नहीं पूरी होगी? हम लोग कोरोना वायरस में इतना रात और दिन मेहनत किए हैं, सरकार को हर वक्त साथ दिए हैं। आज हम लोग सरकारी नौकरी करके आज हमारी पेमेंट ना होगी तो हम लोग भूखे नहीं मर जाएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमित, सफाई कर्मचारी नगर परिषद बको। आज काम बंद कर दिया, उनका ये कहना है कि उनको 3 महीने से पेमेंट नहीं मिली, जिससे लेकर ये परेशान थे, उन्हें काम बंद कर दिया। तो आपके पास शिकायत करने का है? हमारे पास शिकायतें आई थी सफाई कर्मचारियों की नगर पालिका संबंधित, तो उनकी समस्या का निराकरण कर दिया गया है। आज इनके वेतन पत्र को साइन कर दिया गया है और वेतन उनका 1-2 दिन। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर और हर खबर से सरोकार रखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।